वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 3 जनवरी 2021 और 3 जनवरी 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम स्टूडेंट डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए, लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज किस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़कर कौन आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गया है? तो अभी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग जारी की गई, इसमें अब ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़कर न्यूजीलैंड फर्स्ट नंबर पर पहुंच गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में न्यूजीलैंड फर्स्ट नंबर पर है, ऑस्ट्रेलिया सेकंड नंबर पर पहुंच गया है और अपना देश भारत थर्ड नंबर पर है। तो ये टॉप 3 आप याद रखिए। अब पहले तो आईसीसी के बारे में पता होना चाहिए। आईसीसी की प्रमुख क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना कब हुई? 1909 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? दुबई में। इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? मनु साहनी। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरपर्सन कौन है? ग्रेग वार्करले। कौन है? ग्रेग वार्करले। अब न्यूजीलैंड फर्स्ट नंबर पर पहुंचा है, तो यह है मैप में न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की करेंसी क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर। और न्यूजीलैंड की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? जेसिंडा आर्डन। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग मोड कर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग मोड कर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो, आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अप्रैल 2022 से सेहत के लिए हानिकारक भोजन के प्रचार को प्रतिबंधित करने की घोषणा की है? तो ऐसे फूड या ऐसे पैकेज्ड फूड जो सेहत के लिए हानिकारक हैं, उनका प्रचार अप्रैल 2022 से यूके बंद कर देगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, यह घोषणा यूके ने की है। तो यह है मैप में यूके। यूके की कैपिटल क्या है? लंदन। यूके की करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। और यूके के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? बोरिस जॉनसन। कौन है? बोरिस जॉनसन। अच्छा, यूके, ब्रिटेन और ग्रेट ब्रिटेन, इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है? इसके बारे में मैंने पूरा एक अलग से वीडियो बनाया है। ये जो आपको वीडियो दिख रहा है कोरोना वायरस के न्यू स्ट्रेन वाला, इसमें मैंने यूके, ब्रिटेन और ग्रेट ब्रिटेन में डिफरेंस बताया है और ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। एक्चुअल में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन पाया गया था यूके में, उस टाइम मैंने ये वीडियो बनाया था। इस वीडियो को आप जरूर देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में फैक्ट स्टडी के नाम से एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है? तो अभी ऑस्ट्रेलिया ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एक्चुअल में ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रगान में एक लाइन है, फॉर वी आर यंग एंड फ्री। इस लाइन में फॉर वी आर यंग एंड फ्री की जगह फॉर वी आर वन एंड फ्री कर दिया गया है, यंग की जगह वन लगा दिया गया है। तो ये एक शब्द बदला है ऑस्ट्रेलिया ने अपने राष्ट्रगान में। अब ऑस्ट्रेलिया ने बदला, तो ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के प्रेजेंट टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन है? स्कॉट मॉरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राघवेंद्र सिंह चौहान को किस राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो राघवेंद्र सिंह चौहान को उत्तराखंड हाई कोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब ये उत्तराखंड हाई कोर्ट के अपॉइंट किए गए, तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। अच्छा, एक समर कैपिटल बनी है गैरसैंण। कैपिटल तो है देहरादून, लेकिन उत्तराखंड की समर कैपिटल बन गई है गैरसैंण। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड की गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। अच्छा, उत्तराखंड में अभी कोरोना वायरस के लिए एक पोर्टल लॉन्च हुआ था, कोरोना वायरस के लिए दृष्टि नाम का एक पोर्टल लॉन्च हुआ था। बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल उत्तराखंड में शुरू हुआ और भारत का पहला लाइकेन पार्क भी उत्तराखंड में खोला गया। उत्तराखंड की जो क्रिकेट टीम है उसके कोच बने हैं वसीम जाफर। उत्तराखंड में वेस्ट टू एनर्जी पहल शुरू हुई है, वेस्ट टू एनर्जी पहल। उत्तराखंड में स्मृति वन का उद्घाटन भी हुआ है।
उत्तराखंड में भारत की अब तक की सबसे बड़ी तितली गोल्डन बर्ड विंग पाई गई। उत्तराखंड में हरेला पर्व भी मनाया जाता है। अच्छा, उत्तराखंड में फूल देई त्योहार भी मनाया जाता है, फूल देई त्योहार यह भी उत्तराखंड में मनाया जाता है। और उत्तराखंड में एक ग्रंथालय का उद्घाटन हुआ। एक ग्रंथालय यानी कि उत्तराखंड में जो भी यूनिवर्सिटी है, जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है, उनमें जितने भी लाइब्रेरी है, उन सबकी बुक्स को ए बुक्स में कन्वर्ट करके उत्तराखंड में एक ग्रंथालय का उद्घाटन किया गया। अच्छा, उत्तराखंड में फूलों की घाटी है, और शांत घाटी कहां पे है? शांत घाटी केरल में है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, इसको हैली नेशनल पार्क भी कहते हैं, इसका पूर्ण नाम है हैली नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शांतनु महापात्रा का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो शांतनु महापात्रा ये एक संगीत निर्देशक थे, और अभी इनका निधन हो गया, तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये थे शांतनु महापात्रा, ये एक संगीत निर्देशक थे और अभी इनका निधन हुआ है। अच्छा, ये थे कहां के? तो ये उड़ीसा के थे, उड़िया भाषा के प्रतिष्ठित संगीत निर्देशक थे शांतनु महापात्रा, और अभी इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे क्वीन एलिजाबेथ ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया है? तो अभी लुईस हैमिल्टन को क्वीन एलिजाबेथ ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। यह है लुईस हैमिल्टन, इन्हीं को नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 1 करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली पहली दोपहिया वाहन कंपनी कौन बनी है? तो अभी बजाज 1 करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण प्राप्त करने वाली पहली दोपहिया वाहन कंपनी बनी है, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी दोपहिया वाहन कंपनी भी बन गई है, लेकिन तिपहिया वाहन में देखा जाए तो यह दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। तिपहिया वाहन के मामले में यानी कि थ्री व्हीलर्स के मामले में यह दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, टू व्हीलर्स के मामले में यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है, लेकिन 1 करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण प्राप्त करने वाली ये इंडिया की पहली दोपहिया वाहन कंपनी बन गई है। अब बजाज, तो बजाज की स्थापना कब हुई? 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? पुणे में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे एमडी कौन है? राजीव बजाज। कौन है? राजीव बजाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस राज्य में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए एडीबी के साथ $231 मिलियन का ऋण समझौता किया है? तो अभी अपने देश भारत ने असम में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए एडीबी के साथ $231 मिलियन का ऋण समझौता किया, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब एडीबी के साथ किया, तो एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना कब हुई? 1966 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मनीला में। और मनीला कहां पे है? फिलीपींस में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? मत्सात्सुगु अस्कवा। अब असम के लिए समझौता हुआ है, तो यह है मैप में असम। असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल, और असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। अच्छा, असम में अभी एक रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा शुरू हुआ। असम में अरुणोदय नामक एक योजना शुरू हुई है, धनवंतरी योजना भी असम में शुरू हुई, और भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ असम में देखा गया। एक्चुअल में असम में है काजीरंगा नेशनल पार्क, और काजीरंगा नेशनल पार्क में ही भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ देखा गया। असम में देहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको अब नेशनल पार्क में अपग्रेड कर दिया गया है। जो देहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको नेशनल पार्क में अपग्रेड कर दिया गया है। असम में एक और नया नेशनल पार्क बना है, राय नोबा नेशनल पार्क, ये असम का नया नेशनल पार्क बना है। अच्छा, असम में पोबा रिजर्व फॉरेस्ट भी है, इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अपग्रेड करने की घोषणा की गई है। पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अपग्रेड करने की घोषणा की गई है। अच्छा, असम में कौन कौन से डांस फेमस हैं? एक है बिहू, एक है बांगरुम्बा, एक है भोराल, और एक है झुमरू। ये असम के इंपोर्टेंट डांस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में थौबल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट यानी कि थौबल डैम का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? तो अभी इम्फाल में थौबल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का उद्घाटन हुआ, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। थौबल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, इसका उद्घाटन इम्फाल में हुआ, और इम्फाल कहां है? मणिपुर में। तो मैप में देखिए, ये है मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर कौन है? एन बीरेन सिंह। और मणिपुर की गवर्नर कौन है? नजमा हेपतुल्ला। कौन है?
नजमा हेमतुल्ला। अच्छा, मणिपुर में लाई हरोबा त्योहार मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने मणिपुर की कुढ़ोल पहल की तारीफ की थी और पौधों के लिए क्लिनिक खोला गया मणिपुर में। खोंगजोंग दिवस ये मणिपुर में मनाया जाता है, 23 अप्रैल को मनाया गया था खोंगजोंग दिवस। अच्छा, लाई हरोबा त्योहार मणिपुर में मनाया जाता है। ऐसी एक और है संगई महोत्सव, वो भी मणिपुर में मनाया जाता है। और मणिपुर के एक पुलिस स्टेशन को इंडिया का सबसे बेस्ट पुलिस स्टेशन डिक्लेयर किया गया था, उसका नाम क्या था? नोंगपोक सिकमई। नोंगपोक सिकमई पुलिस स्टेशन ये मणिपुर में है और इसको इंडिया का बेस्ट पुलिस स्टेशन डिक्लेयर किया गया था। अच्छा, अभी हॉकी इंडिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं ज्ञानेंद्रो निगोबाम, ये भी मणिपुर के हैं। इतना आप मणिपुर के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने डिजिटल भुगतान सूचकांक शुरू किया है? तो अभी आरबीआई ने डिजिटल भुगतान सूचकांक यानी कि डिजिटल पेमेंट इंडेक्स शुरू कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब आरबीआई ने शुरू किया, तो आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। और शक्तिकांत दास आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो अभी झोंग सानसान एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये हैं झोंग सानसान। इनकी टोटल संपत्ति 70.9 बिलियन डॉलर थी, जो अब बढ़कर 77.8 बिलियन डॉलर हो गई है। और इसी के साथ ये एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 1 जनवरी 2021 को अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया है? तो अभी डीआरडीओ ने 1 जनवरी 2021 को अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? 1958 में। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में। और डीआरडीओ के प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? जे सतीश रेड्डी। कौन है? जे सतीश रेड्डी। अच्छा, डीआरडीओ का मोटो भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो डीआरडीओ का मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम, ये है संस्कृत में। और इसी को इंग्लिश में कहें तो स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। लेकिन अब अगर आप विकिपीडिया पे चेक करोगे तो साइंस की जगह इन्होंने नॉलेज कर दिया है, स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज। तो अब अगर आपको ऑप्शन में नॉलेज भी दिखाई दे या फिर स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस दिखेगा, इन्हीं दोनों में से एक दिखेगा, दोनों कभी नहीं दिखेंगे। स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस या फिर स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज, ये डीआरडीओ का मोटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की 21 वर्षीय रेशमा मरियम रॉय सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष बनी है? तो अभी केरल की रेशमा मरियम रॉय 21 वर्ष की हैं और ये सबसे कम उम्र की पंचायत अध्यक्ष बन गई हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये है रेशमा मरियम रॉय। अब ये केरल की हैं तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल की चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन। और केरल की गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा, केरल में अभी के फोन प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, ये गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को मुफ्त में इंटरनेट देने के लिए था। केरल में तिरंगा पहल शुरू हुई। कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट रोबोट केरल में शुरू हुए। और ब्रेक द चेन कार्टून अभियान ये भी केरल में शुरू हुआ है। अच्छा, केरल में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? अनाईगुड़ी 16 नेशनल पार्क, मत्तेकेट्टम 16 नेशनल पार्क, पंबडम 16 नेशनल पार्क और एरविकुलम नेशनल पार्क। अच्छा, केरल में शांत घाटी भी है, शांत घाटी ये केरल में है। और पेरियार वन्यजीव अभयारण्य भी तो केरल में है, इतना आपको केरल के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है? तो अभी अपने देश भारत ने पाकिस्तान के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और पाकिस्तान के जितने भी लोग इंडिया में कैद हैं और इंडिया के जितने भी लोग पाकिस्तान में कैद हैं, इनकी सूची का भी आदान प्रदान दोनों देशों ने किया है। अब पाकिस्तान की किया गया है तो यह है मैप में पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? क्रिकेटर इमरान खान। और पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? आरिफ अलवी। कौन है? आरिफ अलवी। अच्छा, इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन। ऐसे इंडिया और चाइना को डिवाइड करने वाली लाइन को कहते हैं?
मैकमोहन लाइन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन क्या कहते हैं, डूरंड लाइन, यूएस और कनाडा को डिवाइड करने वाली लाइन क्या कहते हैं, 49th पैरेलल, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन क्या कहते हैं, 38th पैरेलल। तो ये कुछ इंपोर्टेंट डिवाइडिंग लाइन है, इनको आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेल के नए अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है, तो अभी सोमा मंडल ने सेल के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाल लिया है, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये है सोमा मंडल, ये अब सेल की नई अध्यक्ष बन गई है। अच्छा, सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई, 1954 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, न्यू दिल्ली में, और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है, अनिल कुमार चौधरी, कौन है, अनिल कुमार चौधरी। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर, लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में रिवर क्रूज ब्रह्मपुत्र मुकुता का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, तो अभी असम में ब्रह्मपुत्र मुकुता का उद्घाटन किया गया, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट्स का आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल में लिखा, मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, डेली करंट अफेयर्स के रिवीजन के लिए मैं अलग से एक ऑडियो भी बनाता हूं, पर डे एक ऑडियो बनाता हूं, तो उस ऑडियो को आप जरूर सुना करो। एक्चुअल में ऑडियो को सुनने से क्या होगा, जो आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो उसका आपका प्रॉपर रिविजन हो जाएगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑडियो रिविजन करके एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप उस ऑडियो को डेली सुन सकते हो। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने एक जिला एक शिल्प नामक अभियान शुरू किया है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है, और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी, INDRESHRC, इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना, आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो, और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर अभी तभी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।